दुनिया भर के कई नेताओं, कलाकारों और अन्य हस्तियों को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऑनलाइन रीडर्स पोल जीत लिया है। टाइम मैगजीन के मुताबिक रविवार मध्यरात्रि को वोटिंग बंद हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी को कुल वोटों का 18% मिला था और इसी के साथ उन्होंने पहला पायदान अपने नाम कर लिया है, जबकि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकिलीक्स के विवादास्पद संस्थापक जूलियन अंसाजे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे और तीनों को 7% वोट हासिल हुए हैं। इस सर्वे में मार्क जुकरबर्ग को 2%, हिलेरी क्लिंटन को 4% वोट मिले हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2016 की घोषणा 7 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि हर वर्ष टाइम पत्रिका साल के सबसे प्रभावी शख्स का चुनाव करती है। इस किताब के लिए चुनी गई हस्ती के साथ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की वजह हो सकती है। किस शख्स का प्रभाव इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहा, इस आधार पर विजेता के नाम का चुनाव किया जाता है। टाइम मैगजीन के संपादक का ही फैसला आखिरी होता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2014 में मोदी को मैगजीन के पाठकों के चयन सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। करीब 50 लाख लोगों में से 16% लोगों ने उन्हें चुना था। इसके अलावा 2015 के दौरान भी वह पाठकों के चयन सर्वे में दावेदार थे। 2014 के बाद एक बार फिर टाइम मैगजीन के पाठकों ने सबसे ज्यादा चर्चित शख्सियत के तौर पर मोदी को चुना है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोटबंदी के अचानक फैसले की वजह से मोदी इन दिनों सुर्खियों में हैं। हालांकि मोदी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।